आज की एक और बड़ी खबर और अच्छी खबर। राष्ट्रपति भवन में आज एक साथ 5 हस्तियों को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, एस जयशंकर समेत कई मंत्री समारोह में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव के अलावा महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के नायक लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन में शुरू होने जा रहा है। समारोह में भारत रत्न से जुड़े हुए मेडल और प्रशस्ति पत्र से इन सम्मानित विभूतियों के परिजनों को इन्हें सुपुर्द किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू इन विभूतियों के परिजनों को मेडल और प्रशस्ति पत्र सौंपेंगी। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर बाकी 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी कल उनके घर पर ही उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। स्वास्थ्य कारणों की वजह से आडवाणी आज के समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के लिए उनके घर जाएंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल सर्वोच्च सम्मान के लिए कार्यक्रम पूरी तरीके से एक कहें कि तय समय अनुसार सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। जिन महान विभूतियों को यह सम्मान दिया जा रहा है, हमने उनकी जानकारी आपको दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे, इस वक्त आप इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। जिन भारत रत्नों को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है, वो कौन है और समाज में उनका योगदान क्या है, इसे विस्तार से समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की। अति पिछड़ा समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को बिहार में सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा जाता रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न के लिए चुना गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को राम मंदिर आंदोलन का नायक कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें भारत में ग्लोबलाइजेशन का श्रेय दिया जाता है, देश के आर्थिक सुधारों में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों का चैंपियन कहा जाता है, उन्हें भी सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया है। वहीं हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से आज सम्मानित किया जा रहा है। इसकी घोषणा आप जानते हैं पहले ही हो गई थी, लेकिन आज जो औपचारिक प्रक्रिया है वो आप होते हुए देखेंगे। राष्ट्रपति भवन से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। हम एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से उनकी बात करेंगे, लेकिन पहले आज के इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आप बताएं देवेंद्र। और सबसे पहले तो ये एक अपडेट कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारत रत्न दिया गया है। ये पुरस्कार उन्हें कल दिया जाएगा। कल 11:30 उनके निवास 30 पृथ्वीराज रोड पे महामहिम राष्ट्रपति जाएंगे वहाँ पे, और साथ में मौजूद रहेंगे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे, देश के गृहमंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री, ये इन सारे लोगों की मौजूदगी में कल लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा। आज जिन 4 विभूतियों को भारत रत्न दिया जा रहा है, उनसे संबंधित उनके परिवार के जो लोग हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं मरणोपरांत उनको दिया जा रहा है, तो उनके परिवार के लोग वो पुरस्कार ग्रहण करेंगे और सभी के परिवार के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। समझा जा सकता है कि कितना खास है देश के लिए इन विभूतियों को ये सम्मान मिलना, कि एक तरह से जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, देश उन्हें एक तरह से एक बार फिर से एक्नॉलेज करता है। ऐसा नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट आज ही हो रहा है, इससे पहले भी अनेक अवसरों पर एक्नॉलेजमेंट व्यवस्था लगातार करते रहती है, लेकिन भारत रत्न जो कि सर्वोच्च सम्मान है, उसके द्वारा अगर नवाजा जाता है, चाहे कृषि क्षेत्र में योगदान की बात कर लें, सामाजिक पुरोधा की बात कर लें, तो ये या इसके अलावा बाकी जो 2 नाम हैं उनको देखिए कि आर्थिक सुधार के संबंध में पीवी नरसिम्हा राव ने किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उन सारे विभूतियों को भारत रत्न दिया जाना निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बार फिर से इस रूप में बड़ी उपलब्धि है कि देश के जो भी विभूति हैं जिन्होंने इस देश को यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया है,
देश की मौजूदा व्यवस्था, मौजूदा सिस्टम उसको एक्नॉलेज करता है और ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेरणा होती है बाकी लोगों के लिहाज से भी। पीवी नरसिम्हा राव जो कि कांग्रेस पार्टी के थे, वहाँ से वो प्रधानमंत्री बने और मौजूदा बीजेपी सरकार उनको भारत रत्न दे रही है, तो समझा जा सकता है ये अपने आप में कितना खास है। और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना, अब भले ही उनके परिवार के जयंत चौधरी अभी NDA अलायंस में है लेकिन इससे पहले वो अलग थे, जब अनाउंसमेंट हुआ था तब वो अलग थे, उनको भारत रत्न दिया जाना ये भी बताता है कि सरकार की जो सोच है वो कतई भी इस मामले में कोई राजनीतिक सोच या राजनीतिक प्रवाह से ग्रस्त या पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, बल्कि देश के लिए जिन विभूतियों ने योगदान दिया है उनको सम्मान दिया जा रहा है। देखिए, जब आपने ये कहा कि ये सरकार की कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है लेकिन विपक्ष इसे दूसरे नजरिए से देखता है, हम उस नजरिए की बात करें उससे पहले राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें एक बार दर्शकों को बता दें। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और देवेंद्र, अगर हम बात करें सबसे पहले कपूर ठाकुर की, तो आज उनकी ओर से परिवार के कौन कौन इस सम्मान को ग्रहण करेंगे और क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, रामनाथ ठाकुर जो कि उनके सुपुत्र हैं वो इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे और आपको ध्यान होगा कि रामनाथ ठाकुर पहले JDU के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और जब अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था तो उसके बाद वो दिल्ली भी आए थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी, सब परिवार दिल्ली आए थे तो उनके परिवार के भी सारे लोग यहाँ पे मौजूद। मरणोपरांत उनके पुत्र श्री PV प्रभाकर राव, राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं PV नरसिम्हा राव के परिवार से। चौधरी चरण सिंह, ये सम्मान स्वीकार किया गया है श्री जयंत चौधरी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को ये सम्मान दिया गया, जयंत चौधरी ने ये सम्मान ग्रहण किया। डॉक्टर मानकोम्बु सांबशिवन स्वामीनाथन मरणोपरांत उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव, महान कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन की पुत्री श्री कर्पूरी, उनकी बेटी ने ये सम्मान लिया है। उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद। राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन हो जाएगा। सर्वोच्च सम्मान से अब सियासी फायदा है
किसे है और या फिर नुकसान किसे है, ये चर्चा अपने अलग है। लेकिन वाकई में अगर हम उन देश के रत्नों की यहाँ पर चर्चा करें, उनके उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करें, उस एक्नॉलेजमेंट की बात करें, जैसा मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर कह रहे थे, तो वो एक्नॉलेजमेंट ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन भारत रत्न के जरिए अगर कर्पूरी ठाकुर को, नरसिम्हा राव को या स्वामीनाथन को मिला है, तो वाकई में इसकी आवश्यकता थी। और ये आवश्यकता क्यों थी, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम एक एक करके बात करते हैं हर व्यक्ति की। हम सबसे पहले नॉन पॉलिटिकल एम एस स्वामीनाथन की बात करते हैं। कृषि के क्षेत्र में जिस तरीके का योगदान उनका रहा है, जैसा काम उन्होंने किया है, और मौजूदा वक्त में जब किसानों पर इतनी चर्चा हुई है, कृषि पर इतनी चर्चा हुई है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्या हैं उस पर इतनी चर्चा हुई, तो ये सम्मान, इस सम्मान के वो हकदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं मीनाक्षी। और हम सभी जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा किस प्रकार से भारत को उन्होंने खाद्यान्न संकट से उभारा था, तो उस परिस्थिति में समझा जा सकता है कि कितना बड़ा योगदान रहा है उनका इस देश के लिए। फिर उसके बाद जब अगले फेज की बारी आती है, तो उसमें स्वामीनाथन आयोग ने यह बताया और उनकी अध्यक्षता में ये बताया गया कि अब इस स्टेज के बाद आगे के चरण में आपको क्या करना है। जैसे खाद्यान्न संकट से उपजने के लिए आपने मान लीजिए धान और गेहूँ की बहुत ज़्यादा पैदावार कर दी, अब अगर वो सरप्लस हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर उस सरप्लस का बाजार मूल्य के हिसाब से वैसी कीमत नहीं मिल सकती और किसानों की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। तो वहाँ पर फिर किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए सेकंड स्टेज क्या करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें की। और आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से जब वो जिंदा थे तब उन्होंने ये बताया कि ये सरकार किसानों के उस हित की दिशा में बहुत सारे कदम उठा रही है, और बाकायदा उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, और उसी दिशा में लगातार काम भी किया जाता रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी एक बड़ा कंसर्न रहता है कि कैसे आप इनकी बेहतरी के लिए ध्यान दें, और उसी लिहाज से उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि पहले की जो ट्रेडिशनल खेती आप करते रहे हैं उससे थोड़ा विमुख हों और बाजार के हिसाब से अपनी पैदावार करें। अगर आप वही ट्रेडिशनल आधार पर खेती बाड़ी करते रहेंगे उतनी उपज ज़्यादा हो जाएगी, बाजार के हिसाब से उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, तो फिर उसकी कीमत कहाँ से आएगी और कौन सी इकोनॉमी उसे सस्टेन कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर स्वामीनाथन ने जो दिशा निर्देश दिखाया था उसी दिशा निर्देश के तहत आगे बढ़ना है। और यहाँ पर अगर आप भारत रत्न दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि उस योगदान का एक और एक्नॉलेजमेंट और सर्वोच्च एक्नॉलेजमेंट। और देवेंद्र, इसकी अगर हम विपक्ष के द्वारा जो चर्चा की जा रही है उसकी पॉलिटिक्स में हम जाएं, तो देवेंद्र एक तरीके का चर्चा ये करने की कोशिश विपक्ष करता है लेकिन कभी सीधे तौर पर कर नहीं पाता है कि आप स्वामीनाथन को भारत रत्न दें या आप चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की बात करें, उन्हें ये सम्मान दें, और उसके बाद आप ये सोचें कि आप इससे पॉलिटिकल गेन कर लेंगे। इसे लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में किस तरह से चर्चा होती है? अब तो चुनाव की तारीखें भी अनाउंस हो चुके हैं, बड़े नजदीक हैं। देखिए, सरकार का कोई भी फैसला हो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो होना ही होना है, और उसमें प्लस या माइनस वो दोनों ही चीज़ें होती हैं, और कोई भी सरकार इससे अछूती नहीं रह सकती। शासन व्यवस्था का कोई फैसला कर रहा है कि हाँ इस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो कैसे संभव है कि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ना, और कैसे संभव है कि पॉलिटिक्स को ध्यान में ना रखा जाए। जैसे चौधरी चरण सिंह के केस को अगर आप देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना वो एक्नॉलेजमेंट था उस कम्युनिटी के लिए भी जो कि चौधरी चरण सिंह के लीगेसी के पीछे खड़ी थी, और स्वाभाविक तौर पर इसका राजनीतिक इम्पैक्ट आप समझ सकती हैं। और वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा सीट शेयरिंग के अलावा, कि जयंत चौधरी को ये विंडो दिखा होगा कि इस विंडो के सहारे वो एनडीए में आ सकते हैं और अपने पीछे जो उनका उनकी फैन फॉलोइंग है चौधरी चरण सिंह के नाम पर उसको संतुष्ट कर सकते हैं कि आखिर किस वजह से हम एनडीए में जा रहे हैं, वजह क्या है, किसने हमें हमारे दादाजी को सम्मान दिया है। तो इसका राजनीतिक महत्व है ही, और आपने देखा कि वो एनडीए में आए, जो सीटें उन्हें अपोजिशन में दी जा रही थी उससे काफ़ी कम सीटों पर आए, महज 2 सीटों पर आ गए, बावजूद इसके वो काफ़ी खुश रहे। तो उसके पीछे वजह ये थी कि एक तो इस प्रकार का सम्मान दिया जाना, दूसरा उनको ये समझ में आया कि लहर किस दिशा में है, तो जिस दिशा में है जितने लड़ेंगे उतने जीतेंगे, मंत्री भी बन जाएंगे, तो उस कंडीशन में राजनीतिक तौर पर उनको फायदा भी नजर आ रहा था। और पोलिटिकल इम्पैक्ट तो इसका है ही, वेस्टर्न यूपी में आपको नजर भी आएगा इस गठजोड़ का इम्पैक्ट पिछली बार से अगर तुलना करें तो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र, और अगर हम इसी पॉलिटिकल विंडो की इस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये तो नीतीश कुमार को भी बेशक दिखाई दिया। हम इस पर करेंगे चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर पीवी नरसिम्हा राव के पार्टी और देश के लिए किए गए कामों को अहमियत ना देने का आरोप लगाया। एनवी सुभाष ने कहा, कांग्रेस के किसी भी नेता, खासतौर पर गांधी परिवार ने पीवी नरसिम्हा राव के पार्टी और पूरे देश के लिए किए गए उनके योगदान को अहमियत नहीं दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तव में उनके इस देश के लिए किए गए काम को सम्मान दिया है। Sad part is when the Congress party is in power from 2004 to 2014. None of the Congress party leaders, especially the Gandhi family, did not recognize the contributions where he has made for the party and for the whole nation. But Modi ji, when he has become the Prime Minister, he had made sure that people who have really made influence in the society, whether it is in arts, culture, sports, or film, and including politics also. देखिए, ये जो बात अभी एनवी सुभाष ने कही देवेंद्र, मैं इसी पर थोड़ी चर्चा कर लेती हूँ। ये कौन नहीं जानता कि कितने कॉन्ट्रोवर्सी हुए थे। देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री को जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो उनके देहावसान के बाद उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, क्या उस तरीके का सम्मान उन्हें मिला, इस पर अलग अलग समय पर बड़े बड़े विश्लेषकों ने भी बहुत बड़े बड़े कॉमेंट दिए हैं। निश्चित तौर पर मीनाक्षी, वो ओपन सीक्रेट की तरह से एक तरह से थी, लेकिन सबने देखा कि क्या किया आपने। और गांधी परिवार का अगर आप इतिहास को देखें, कांग्रेस के इतिहास को देखें, तो गांधी परिवार से किसी व्यक्ति को महिमा मंडित किया जाए ऐसा उनकी रणनीति में, उनकी सोच में कभी रहा ही नहीं। लाल बहादुर शास्त्री के केस में आपने देखा, या फिर प्रणब मुखर्जी का केस ही उठा के देख लें कि प्रणब मुखर्जी में इतनी सारी खूबियाँ थी, बावजूद इसके सोनिया गांधी ने तब प्रधानमंत्री के तौर पर उनका चयन नहीं किया बल्कि मनमोहन सिंह का चयन किया। स्वाभाविक सी बात है कि समझ ये थी कि गांधी परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉयलिस्ट जो रहे उसको दिया जाए, ऐसा ना हो कि किसी और ताकतवर व्यक्ति के हाथ में कमान दे दी जाए जो कि परिवार के प्रति उस हिसाब से अंधभक्ति ना करे जैसा कि परिवार उम्मीद करता है। तो कांग्रेस पार्टी में सभी इस बात को जानते हैं कि अगर आप गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कुछ सोच रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपका कोई भविष्य नहीं, कोई सम्मान नहीं है। और नरसिम्हा राव को तो हमने देखा कि मरणोपरांत भी उनके पार्टी के दफ्तर में उस व्यक्ति ने जो कि उसी पार्टी में रखे, उन्होंने उतनी पार्टी की सेवा की और देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, बावजूद इसके अगर उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा तो समझा जा सकता है कि उसके पीछे पार्टी की सोच क्या रही होगी, गांधी परिवार की सोच क्या रही होगी। और उस वजह से नरसिम्हा राव का आज परिवार जो है वो किस रूप में खफा रहता है। उनके ग्रैंडसन तो बीजेपी के मीडिया सेल का काम भी देखते हैं और वो बार बार इस बात को लेकर ये बताते हैं कि कैसा दर्द है उनके परिवार में।